और एक बड़ी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन के डोनेस में रूसी सेना को बढ़त। डोनेस के जलानोय पर रूस का कब्जा। रूसी हमले में यूक्रेन के 470 सैनिकों की मौत। तो कुर्स्क में यूक्रेन लगातार तबाही मचा रहा है। ऐसे में क्रेमलिन ने यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क से पीछे धकेलने का एक प्लान तैयार किया है। पुतिन के नए प्लान से न सिर्फ कुर्स्क से यूक्रेन का कब्जा हट सकता है बल्कि यूक्रेन को इस हिमाकत की भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। चौंकाने वाली बात यह कि कुर्स्क से यूक्रेन को खदेड़ने का प्लान पुतिन ने चेचन्या जाकर बनाया। आखिर क्या है पुतिन का कुर्स्क प्लान जिससे नेटो और यूक्रेन में हड़कंप मच गया है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। हर रोज तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या कुर्स्क पुतिन के हाथ से निकल जाएगा? क्या कुर्स्क पर यूक्रेनी ध्वज ही लहराएगा? कुर्स्क को लेकर पुतिन की चिंता बढ़ने लगी है, लेकिन पुतिन पसोपेश में है कि पहले कुर्स्क बचाएं या लुहांस्क डोनेस्क को। दरअसल पुतिन लुहांस्क डोनेस्क से अपनी सेना नहीं हटाना चाहते हैं, क्योंकि रूसी सेना हटते ही यूक्रेनी फौज डोनबास पर कब्जा कर लेगी। लेकिन पुतिन तो पुतिन है, इसीलिए नेटो भी कहता है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता। कुर्स्क का क्या होगा, इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों में है। कुर्स्क में कोहराम मचा है और पुतिन चेचन्या दौरे पर जा पहुंचे। पुतिन की यह सरप्राइज विजिट थी। इस दौरे पर रमजान कादिरोव ने पुतिन का जबरदस्त स्वागत किया। रमजान कादिरोव के अलावा चेचन्या आर्मी चीफ और दूसरे सीनियर कमांडर मौजूद थे। पुतिन को हथियार दिखाए गए जिनका इस्तेमाल चेचिन लड़ाके स्पेशल ऑपरेशन के लिए करते हैं। चेचन्या में पुतिन की सरप्राइज विजिट में एक राज छिपा है। वो राज है आखिर कैसे पुतिन कुर्स्क से यूक्रेनी फौज को खदेड़ देंगे। चेचन्या दौरे पर डील हुई है कि कुर्स्क में चेचन लड़ाके यूक्रेनी सैनिकों से लड़ेंगे और उन्हें कमांड क्रेमलिन से मिलती रहेगी। यानी पुतिन ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ रूसी फौज लुहांस्क और डोनेस्क नहीं छोड़ेगी, दूसरी तरफ कुर्स्क में भी रूस फिर से अपना ध्वज लहरा पाएगा। इसका ऐलान पुतिन ने चेचन्या में कर दिया। एक कमांडर के जोश और फैसलों का उसकी फौज पर कितना असर होता है वो इसी से समझ सकते हैं। जैसे ही पुतिन ने चेचन्या से ऐलान किया कि कुर्स्क से यूक्रेनी फौज को मार भगाएंगे, वैसे ही रूसी फौज ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन में घुसकर भारी तबाही मचाई। कुर्स्क पर हमले की तैयारी कर रहे यूक्रेनी फाइटर जेट्स उड़ान ही नहीं भर पाए क्योंकि रूस ने यूक्रेन के कई एयरबेस पर जबरदस्त बमबारी कर दी। हालात ऐसे हैं कि पुतिन के फैसले के बाद से सूमी से 45,000 लोग निकाले जा रहे हैं, जबकि ऐसा ही खौफ रूसी बॉर्डर के पास पड़ने वाले यूक्रेनी इलाकों में है। कभी भी कहीं भी रूसी विमान बारूदी जलजला ला सकते हैं। और कुर्स्क पर रूस का कब्जा फिर से कराने के लिए चेचन लड़ाके कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। उससे पहले ही रूस ने हमले का ट्रेलर दिखा दिया है। रूस ने कुर्स्क के अलावा कई यूक्रेनी इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। खास बात यह है कि बॉर्डर से लगे इलाकों पर बम गिराए, कीव पर भी बमबारी की।
इसके अलावा चेर्निहिव, सूमी, पोल्तावा और खार्किव पर हमले किए गए। इसके लिए मॉस्को, कुर्स्क और बेलगोरोद के एयरबेस से रूसी जेट ने उड़ान भरी थी। इसके अलावा रूस की तरफ से ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक भी की गई। आधी रात लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज़्या, खेरसोन और ओडेसा पर मिसाइल दागी गई। इसके लिए क्रीमिया के नेवल बेस सेवास्तोपोल का इस्तेमाल किया गया। न सिर्फ कुर्स्क बल्कि यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर भी रूस अब कारपेट बॉम्बिंग करने की प्लानिंग कर रहा है। पुतिन की नई स्ट्रैटेजी के मुताबिक अब कुर्स्क समेत हर उस इलाके में फुल स्केल हमले शुरू किए जाएंगे जहां जहां रूस पर हमला हुआ है और जहां से हमले के लिए बारूद पहुंच रहा है। ऑपरेशन को शुरू करने की वजह है कुर्स से रूसी लोगों का विस्थापन। एक बार विस्थापन का काम पूरा हो गया तो रूस ऑपरेशन तेज कर देगा। विस्थापन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि आज रात रूस जबरदस्त हमला कर सकता है। रूस के निशाने पर वो इलाके आ सकते हैं जो रूसी बॉर्डर से लगे हैं। हालांकि रूस ने कुछ घंटे पहले इस ऑपरेशन का ट्रेलर भी दिखाया। ये कुर्स्क में यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल को खाक करने की तस्वीरें हैं। रूस ने Mi-28 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से ये हमला किया था जिसके बाद यूक्रेनी सैनिक वहां से भाग गए। इसके अलावा रूस ने कई यूक्रेनी पोस्ट भी तबाह कर डाली। अभी रूस हेलीकॉप्टर से हमला कर रहा है। जमीन पर जंग करने से इसलिए बच रहा है जिससे सैनिकों को कम नुकसान हो, क्योंकि कुर्स्क में रूसी सैनिक बेहद कम संख्या में है। कुर्स्क में अभी भी यूक्रेनी फौज हावी है। वो लगातार रूसी सैनिकों पर भारी पड़ रही है। इस वीडियो में देखिए, कुर्स्क में ही यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के T-90M टैंक पर कब्जा कर लिया और इसे यहां से यूक्रेन ले जा रहे हैं। यह कुर्स्क का नक्शा है। इसके लाल वाले हिस्से में रूस का कब्जा है जबकि हरे रंग वाले हिस्से पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। अब वो आगे की तरफ बढ़ रही है। इसमें नीला वाला हिस्सा यूक्रेन है, यही से यूक्रेनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। कुर्स्क में आगे बढ़ते हुए यूक्रेनी सैनिक रूस की हर एक चीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुर्स्क में लगी एक लेनिन की मूर्ति भी तोड़ डाली गई। इस पूरे इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। कुर्स्क में यूक्रेन की हिमाकत का बदला रूस यूक्रेन में तबाही मचाकर ले रहा है। टेर्नोपल में एक वेपन फैक्ट्री को रूस ने ड्रोन से उड़ा दिया। हमले के लिए रूस ने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस तरह के कई हमले रूस ने कुछ घंटे पहले किए, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। कुर्स्क का असली बदला अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।